ये तीनों आखिर कौन थे, कितना साम्राज्य था, आखिर कैसे हुई शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु, हम सीधे पॉइंट पर ही बात करेंगे ताकि वीडियो आपको बोरिंग ना लगे और आप इनके पीछे की सच्चाई जान सके। तो शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवलहरी किले में हुआ था। धीरे धीरे वो बड़े होते गए और 12 से 15 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने सब कुछ सीख लिया था। ये युद्ध करने में बहुत ही माहिर थे, सामने वाले को पता ही नहीं चलता था कि कहां से कौन आया और कौन मारकर चला गया। ये गोरिल्ला वॉर टेक्निक से युद्ध करते थे। इनके पास तीन तलवार थी, भवानी, जगदम्बा और तुलजा, जिसमें जगदम्बा तलवार इंग्लैंड के म्यूजियम में रखी गई है। बाकी ये दो तलवार पिछले 100 साल से लापता है और ये फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से भी जाने जाते थे। इनके पास टोटल 360 किले थे जिसमें रायगढ़ किला भी शामिल था। वहीं पर शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में दोपहर को 12 बजे हुई थी। अब बात करते हैं प्रताप सिंह यानी कि महाराणा प्रताप के, जिनका जन्म 9 मई 1540 में कुंभनगढ़ किले में हुआ था। ये एक राजपूत फैमिली से थे, बचपन से ही बड़े ही वीर और शौर्य थे। इनका अकबर के साथ कई बार युद्ध हुआ लेकिन अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। ये पूरे 7.5 फीट के थे और उसके घोड़े का नाम चेतक था, जो उस समय पर सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। उसके कवच का वजन 70 kg था, जूते का वजन 10 kg था, तलवार का वजन 10-10 kg था और भाले का वजन 80 kg था। एक बार अब्राहम लिंकन भारत आ रहे थे, तब उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? अब्राहम लिंकन ने कहा, माँ मैं भारत जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने कहा कि तुम मेरे लिए हल्दी घाटी की थोड़ी सी मिट्टी ले आना, क्योंकि मैं महाराणा प्रताप को इसलिए पूछती हूँ कि इन्होंने आधे देश के बदले में एक छोटा सा मेवाड़ अकबर को नहीं दिया। 57 साल की उम्र में शिकार करने से चोट लग गई और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई थी तब अकबर भी रोया था और कहा था कि मुझे अफसोस है कि मैं कभी भी महाराणा प्रताप को नहीं हरा पाया। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। इनका जन्म 1149 में गुजरात में हुआ था और ये पूरे 7 फीट 4 इंच के थे और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 बार हराया था। लेकिन हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान उसको माफ कर देते थे, लेकिन जब 17वीं बार युद्ध हुआ तब पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गोरी उसके बंदी बनाकर अपने साथ अफगान ले गया। वहीं पर उनकी दोनों आंखें निकाल दी गई और उस पर काफी जूम किया गया था। पृथ्वीराज तलवार और बाण चलाने में काफी माहिर थे और अपनी दोनों आंखों को पट्टी बांधकर भी यह तीर चला सकते थे और मोहम्मद गोरी को यह सब पता था और उसे एक कारनामा देखने का मन हो रहा था और वो इस कारनामे को देखने के लिए बहुत ही आतुर था। तब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को बांध दिया और पृथ्वीराज चौहान के पास अपनी दोनों आंखें नहीं थी, उसके बावजूद भी मोहम्मद गोरी को एक ही तीर के निशाने से मार दिया। उसके बाद वहीं पर ही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये थे हमारे भारत के वीर योद्धा जिन्होंने एक मुट्ठी भर मिट्टी के लिए भी अपना लहू बहा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।